जिहड़ा सरजीत कुमार जैनी है जिहड़ा कहिंदा सी इह असीं आउण वाले समें दे विच फिर सरकार जां फिर पंजाब दे विच असीं बणांगे। लै ओह वेख लो पूरे भारत दे विच सरजीत कुमार जैनी की दूजा हरजीत गरेवाल की पूरे पंजाब दे विच एक भी भाजपा दा आगू पिंडां विच वड़ नहीं दिंदे लोक। सुरजीत कुमार जानी बीजेपी लीडर के पिंड पहुंचे हैं और इतने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया है और काले कानून दियां कापियां साड़ियां गई। जानी साहब साढ़ा 400 किसान मर गया बार्डर से, तो कोई दुख नहीं जताया उन्होंने आपदे ना, उन्होंने आपकी एक बार भी नहीं टीवी पर कहा भी 400 किसान मरे का मैं दुख है। तो जानी साहब की भाषा की सी, कहिंदे दुख तो जे कुत्ता मर जाए वह भी हुंदा, साड़ी तुलना कुत्ते नाल करदा है जानी। जिहड़ा ये शब्दावली गलत बोलता किसानां प्रति, तो खुद किसान का पुत्र है, एक बंदा किसी कौम तो गदार हो जाए उन्हें गदारी का अहुदा दिता जाता है, ये किसान खुद होके खुद किसान प्रति गदारी कर चुकिया है। कोई शक नहीं पर एक कारपोरेटा की दलाल सरकार बन गई, जदों कारपोरेटा सारा कुछ सारा देश कुल साडे अदारे जिहड़े प्राइवेट गहने करके रखते ने, साडे आर्थिकता पूरे भारत की थले गई चली, साडी जीडीपी थले लै गए, वो साडी सरकार किवें हो सकती है। आपदे ही लोगों के खिलाफ ये सरकार ने जंग छेड़ ली, हुण खेतां दे पुत्तर इत्थों उठे उन्होंने नाल खेतां दीआं धीआं सड़कां दे उत्तर आईआं ने, नौजवान बच्चे विद्यार्थी हर वर्ग जिहड़ा अज सड़क के उत्ते आ गया है, उहदे नाल चलदिआं अज कल्ला पंजाब नहीं, कल्ला हरियाणा नहीं, कल्ला पूरे भारत के हर हिस्से दे विच लोक संघर्ष के राह ते तुर पए ने। काले कानून रद्द कराए तो बिना एक पैर भी पिछे समझौता नहीं होगा। जिथे तक गल पहुँच गई है ये लोग पिछे हटने वाले नहीं। सुरजीत जैनी की भूमिका समझते हो, चेयरमैन भी सी कमेटी दे। सुरजीत जैनी यही कल कारपोरेटा के दलालों की हिम्मत के नाल इन्हें सोचा कि शायद लोग पोले पै जाएंगे, पर नहीं, लोग हिले, लोगों ने मजबूती फड़ी है। यह जिहड़ा सुरजीत कुमार जैनी है जिहड़ा कहिंदा सी ये असी आने वाले समय के फिर सरकार ज फिर पंजाब के बड़ांगे, लै ओ वेख लो पूरे भारत के सुरजीत कुमार जैनी की दूजा हरजीत गरेवाल की पूरे पंजाब के एक भी भाजपा का आगू पिंडा वड़ नहीं देंदे लोग। हर रोज़ लोग मोड़ा खड़े हुए उड़ीक करते हैं कि वड़न सही, असी पंजाब के इन्हों वड़न नहीं देंगे, वड्डी गल है। तो ये लामबंदियां इवें वधदियां रहणगियां, ये ताकत इस चौगुणी करके मजबूती दे नाल लड़ांगे, कानून रद्द कराए तो बिना एक पैर भी पिछा नहीं हटा। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल से अज असी सारे किसान आपदी आपदी समर्था अनुसार सुरजीत कुमार जानी बीजेपी लीडर के पिंड पहुंचे हैं और इतने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया है और काले कानून दियां कापियां साड़ियां गई हैं। ये सुरजीत कुमार जानी उही बीजेपी का लीडर है जो साडे किसान वीरां दे उल्ट बोलता रहिंदा है और काले कानूनों के उल्ट बोलता रहिंदा है। असी अज इस नूं सख्त सजा देण आए हैं कि ये आपदे लक्षणां विच सुधार लियावे। इस तों अलावा जिहड़े साडे संयुक्त किसान मोर्चे की जदों भी कॉल आऊगी असी ऐं वध चढ़ के हिस्से लवांगे और एक काले कानूनों की लड़ाई विच जदों तक साडी जित नहीं हुंदी असी ये जद्दोजहद जारी रखांगे। संयुक्त मोर्चा सारा इकट्ठा है और असी एके दा सबूत दिंदे होए संयुक्त किसान मोर्चे के हुक्म अनुसार आपदी लड़ाई हक ते सच दी लड़ाई जारी रखांगे और सुरजीत कुमार वर्गे बंदे जिहड़े कहिंदे है काले कानून काले किवें है, इन्हां दा दिल काला है, इन्हां दी सोच काली है, इस करके इन्हां कहिंदे कि कानून काले ही नहीं हैगे, मेरे नाल डिबेट कर लो। हाँ, मैं इस नूं चैलेंज करदा भई मेरे नाल जिथे मर्जी डिबेट कर ले, जे मैं जित गया तो इहनूं बीजेपी दी मुढ़ली मैंबरशिप तों अस्तीफा देना पऊगा और जे मैं हार गया मैं आपदे पिंड बह जूंगा किसान मोर्चे नूं छड्ड के। मैं इस नूं चैलेंज करदा, इल ते कुक्कड़ दा इहनूं पता नहीं और जिथे जिथों चले इहदे पिता जी इहदे दादा जी किसानी करदे सी और अज इह उसे किसानी दे उल्ट बोल रहा है। इस नूं इस गल ते शर्म होनी चाहीदी है जिथों असीं चले। मैं कुछ अहुदिआं ते रहा, साबका DIG रहा, पर मैनू मेरे फादर साहब वालों की गई मेहनत याद है, उन्होंने किसानी दे विच खेतां दे विच मेहनत की, मैनू काबल बनाया।
ते अखीर विच मैं अफसर रिटायर होया। आ जिहड़ा सुरजीत कुमार जाणी है खेती दे आधार ते इलैक्शन लड़दा रहा, खेती करके उठिया ते अज ये खेती कानूनों के हक च बोलदा है। कादे पिछे? सिर्फ एक अहुदे पिछे, सिर्फ एक कुर्सी पिछे। एहो जी कुर्सी दे 20 वार ठोकर मारो, आपदे मां प्यो की याद रखो, आपदियां जड़ां ना भुल्लो। ओ चीज़ जिस तो तुसी बने हो, ओ धरती मां जिथों तुसी जम्मे पले रहे खेडे, तुहानू तुहाडे पिता मामा ने पढ़ाया, उस जड़ नू ना भुल्लो। यही मैं किसान वीरां नू अपील करूँगा और सुरजीत कुमार जाणी नू भी मैं यही अपील करूँगा। हजे भी टाइम है, नहीं तो हो सकता है इहदे वड वडेरे उत्थों स्वर्गां चों कह रहे होण, अरे जाणी तेरे तो जम्मणो ही आ निकलो। जैनी साहब ते वी कहिंदे अज जी जिहड़े केंद्र दी सरकार काले कानून लैके आई है किसानां दे खिलाफ, उहनू पूरा एक साल हो चुक्या, क्योंकि इह 5 जून नू ये साड़ी सरकार ने किसानां दे खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आई सी। असी उहदे खिलाफ जिहड़े कानून लैके आए सी उहदियां कापियां साड़ के सरकार दे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 200 दिनों तो असी दिल्ली दियां सरहदां दे बैठे हाँ, किसान डटे हुए आ, किसान बहुत अगे नालों फिर बहुत ज़्यादा उत्थे पहुँच रहे हैं, तो किसानों की गिनती वध रही है दिनों दिन। मोदी नूं ये चाह सी कि खरे लोग बह जाणगे, अक जाणगे, थक के चले जाणगे। साडी केंद्र दी सरकार कहिंदी है उह ते किसान नहीं हैगे जिहड़े बार्डर ते बार्डरां ते बैठे आ, उह ते कदे कांग्रेसी कहिंदे ने, कदे आम आदमी पार्टी वाले कहिंदे ने, पर असी एक गल पुछना चाहुंदे आ, हैगे ते किसान ने जिहड़ियां तिहाड़ियां 12 मीटिंगां होईयां केंद्र सरकार दियां, उह किहदे नाल होईयां जे किसान नहीं हैगे? ते मैं एक दिन तिहाड़ी एक देख रहा सी, डिबेट देख रहा सीगा, अपने जानी साहब दी इंटरव्यू देख रहा सी, उहनूं एक पत्रकार पुछ रहा सी कि मोदी साहब रो क्यों रहे ने उहदे ते चैनल ते, उह कहिंदा वी देश दे विच करोना नाल इन्ने बंदे मर गए, मोदी साहब आंसू बहा रहे ने, ते जानी साहब साडा 400 किसान मर गया बार्डर से, तो उहदा तुसीं कोई दुख नहीं जताया उन्होंने आपदे ना, उन्होंने आपदी एक बार भी नहीं टीवी पर कहा भी 400 किसान मरे का मैनूं दुख है। तो जानी साहब की भाषा की सी, कहिंदे दुख तां जे कुत्ता मर जाए उहदा भी हुंदा, साडी तुलना कुत्ते नाल करदा है जानी। इहनूं जानी नूं कहना चाहुंदे आ, तू जिहड़े किसानां दीआं वोटां लै के जित्तिआ, जिन्हां दीआं वोटां लै के तू मंत्री बणदा रहा, तू उहदी तुलना कुत्ते नाल करदा, तैनूं गांह दसांगे, गांह भी तू वोटां लैण आउणा साडे बूहे ते, फिर इहनूं पुछांगे वी असीं कुत्ते आ ते के की आ, इह जिहड़ा जानी आ साडे नाल किते आ के बहि के देखे, गलत करके वेखे, जदों असीं पहलां इहदा विरोध कीता सी वी तुसीं जानी साहब तुसीं चेयरमैन बने जी उस कमेटी दे बनाया गया तुहानूं, कहिंदा सी मैं कादा चेयरमैन आ, सेंटर सरकार गल ही नहीं सुनदी, वह चमचियां की गल सुनदी है, मेरी कोई गल नहीं सुनदी। तो जदों इहदे ते हत्थ फेर लिया गया, मोदी साहब ने हत्थ फेरता, पता नहीं दबका दिता कि टेची देता, तो उदण दा ये मोदी की भाषा बोलन लग पिया। इस करके असी केंद्र सरकार नूं दसना चाहुंदे आ, मोदी साहब ये जिहड़े काले कानून जिवें लियांदे ने उवें वापस लै लो, नहीं तो बार्डरां ते किसान अपनी जान तो दे देणगे, पर कानून वापस कराए बाद आपदे घरां नूं वापस नहीं आउणगे कराए बिना। देखो ये संयुक्त किसान मोर्चा जी 32 जथेबंदियों वजों कॉल आई है, वो कॉल से पहरा देंदे हुए अज जिहड़ा जिला फाजिलका कटेड़ा जाणी दे हिकते उत्ते बैठे हाँ, जाके तीन काले कानून जिहड़े किसानां ते थोपे गए है उन्हां दी कापियां साड़ांगे। उस तो बाद जिहड़ा ये शब्दावली गलत बोलता किसानां प्रति, तो खुद किसान का पुत्र है, एक बंदा किसी कौम तो गदार हो जाए उन्हें गदारी का अहुदा दिता जाता है, ये किसान खुद होकर खुद किसान प्रति गदारी कर चुकया है, तो गलत शब्दावली बोलता है। अजय माफ़ी मंग के किसान का बेटा अजय हाथ जोड़ के तो भी असी इन माफ़ करांगे, इस करके जे कल राजनीति जे पिंडां चे वड़ूगा वोटां लैण वास्ते तो कोई इन मूँह नहीं लाऊंगा। अज मोदी जिहड़ा बिहार के कहिंदे सरकार बना जूगा, तो किसानां ने उत्थे आपदा हमला मारिया, तो उहदी जिहड़ी है अपने उत्थे बंगाल के पछमी बंगाल के जिहड़ी इहदी सरकार है वह नहीं बन सकी, ममता बैनर्जी जिहड़ी बनी है, तो इस करके जिहड़ी इन्हां नूं कुंभकरण की नींद सुते पए है, तो किसान मजदूर व्यापारी सारे अज इकट्ठे हो चुके है, 450 तो उत्ते साडी शहीदियां हो चुकी है, चाहे साडी होर किड्डी वड्डी कुरबानी होवे वो घट समझांगे। ये साडे हक ते सच की लड़ाई है, ये साडे बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये साडे जिहड़ा किसान जिहड़ा धन्ना भगत है, हरेक का जिहड़ा जिहड़ा अन्न दे के जिहड़ा उहदा ढिड भरदा है, चाहे पशु है, पक्षी है, जानवर है, चाहे इंसान है, जो भी है वह जिहड़ा हर नूं ये जिहड़ा अन्न दिंदा है किसान दिंदा है। 70% की आबादी जिहड़ी किसान हिंदुस्तान च किसान है, अज किसान जिहड़ा मरूगा तो सारा देश अज बर्बाद होगा। इस करके मोदी नूं अज जिहड़ा राजा हुंदा है
ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂਗਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।